दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो रहने वाला है नई वैकेंसीज के बारे में। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत कम आती है ऐसी टाइप की वैकेंसीज। तो अभी हमारे पास जो है वो ज्वेलरी शोरूम जो होते हैं उनमें सेल्स पर्सन का काम आया हुआ है। इसका क्या है पूरी डिटेल मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे कोई ना कोई डिटेल डालते रहते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। दोस्तों ऐसी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम आती है, बहुत नहीं आती है, ये साल में एक या दो बार ही आएगी। तो इस टाइप की वैकेंसीज आपको आज बताने वाला हूँ। इसमें बॉयज़ भी जा सकते हैं, गर्ल्स भी जा सकते हैं। तो क्या रहेगा, ये है दुबई के लिए। जैसे इंडिया में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स चेन्स होती हैं, जैसे आप कल्याण ज्वेलर लगा लीजिए या कोई और बड़े बड़े पीसी ज्वेलर्स लगा लीजिए जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, कल्याण ज्वेलर एक बड़ा ब्रांड है अभी। तो उस टाइप के ज्वेलर्स है जो कि दुबई में आपको पता होगा ज्वेलरी का काम बहुत ज़्यादा होता है, एक तरह से वो हब है, वहाँ पे सोना खरीदने के लिए लोग बहुत जाते हैं। तो आपने क्या करना, आपका काम क्या होगा, आपका कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स का काम वहाँ पे। मींस कि जैसे शोरूम में आपके कोई आएगा वहाँ पे तो कस्टमर को बताना पड़ेगा आपको ये आइटम है। सपोज उसने चेन्स देखनी है तो किस टाइप की चेन आपको चाहिए आपने उनको पूछना है। लैंग्वेज दो आनी चाहिए इसमें, इंग्लिश और हिंदी, ये मैंडेटरी है। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, हिंदी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे जब भी मैं ट्रैवल दुबई करता हूँ, जब भी मार्केट में जाता हूँ इंडियंस बहुत मिलते हैं वहाँ पे। तो इंडियंस के लिए तो हिंदी हो गया, बाकी जो कंट्रीज वाले होते हैं उनके लिए इंग्लिश हो गया। थर्ड लैंग्वेज का कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश और हिंदी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है। उम्र होनी चाहिए 20 से लेके 30 साल तक, 20-30 ईयर तक, और आपका किसी ना किसी सेल्स फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और एजुकेशन का कोई मैटर नहीं, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपने सेल्स में आप काम करते हैं तो आपका 10th पास भी है तब भी आप इसके एलिजिबिलिटी आपकी बन सकती है। इंटरव्यू है इसका 25 तारीख को। अब 25 तारीख को बताएंगे इंटरव्यू कहाँ पे होगा, आपको उससे पहले पहले बता दिया जाएगा कि यहाँ पे इंटरव्यू ये हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने आपको बता दिया क्या है। सैलरी क्या रहेगी, सैलरी रहेगी कम से कम 1700 से लेके 2200 दिराम तक, मतलब 2200 दिराम का मतलब लगभग 50,000 तक सैलरी रहेगी 26 डेज की, 11 आवर 10 आवर 11 आवर 26 डेज। ठीक है, ये इंटरव्यू में आपका फाइनल हो जाएगा। प्लस इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, इसमें फ्री फूड भी है, फ्री अकोमोडेशन भी है, जो कि बहुत कम मिलती है। आपने पहले हमारी बहुत वीडियोस देखी होगी, अकोमोडेशन तो हर कंपनी देती ही देती है, पर फूड बहुत कम कंपनीज होती हैं जो कि फूड प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये बहुत अच्छा है, अगर आप 50,000 कमा रहे हैं और आपको फ्री फूड और फ्री अकोमोडेशन मिल रहा है तो आप खुद समझिए कि आपका खर्चा वहाँ पे क्या होगा। आपका खर्चा पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस आप 100 दिराम से लेके पूरे सैलरी भी उड़ा सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है। पर्सनल एक्सपेंसेस में क्या आता है, फ़ोन का खर्चा वगैरह आता है, बाकी और कोई खर्चे नहीं आते हैं। ठीक है, तो 100 दिराम 200 दिराम बहुत होता है मेरे हिसाब से, 300 ले लो, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी जिसने बचाना है वो तो काफ़ी अच्छा बचा सकता है, जिसने नहीं बचाना है फिर तो वो पूरा भी उड़ा सकता है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, बॉयज़ है चाहे गर्ल है, सबके लिए ओपन है। 20 से लेकर 30 साल तक की एज होनी चाहिए। ठीक है, सैलरीज मैंने आपको बता दी, फैसिलिटी सब दे रहे हैं। 3 टाइम मील मिलेगा, 3 टाइम का खाना मिलेगा, रहना, मेडिकल, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए सुटेबल है तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बहुत लिमिटेड वैकेंसी है हमारे पास। ठीक है, तो इंटरव्यू चंडीगढ़ में होगा, आपको चंडीगढ़ में आना ही पड़ेगा, आप इंडिया से किसी भी कोने से हैं चाहे। 25 तारीख को इंटरव्यू है तो 25 को सुबह आपको चंडीगढ़ पहुंचना पड़ेगा 8 बजे के आसपास, क्योंकि 9 बजे से इंटरव्यू शुरू हो जाना है। तो चलिए ये था आज का वीडियो। फिर से एक बार आपको थोड़ा सा रिमाइंड अगर करवा दूं, हमें चाहिए सेल्स पर्सन जो कि शॉप के अंदर जो होते हैं, शोरूम के अंदर होते हैं। तो आपने कस्टमर को चीज़ें दिखानी है, ठीक है, सेल्स और परचेज, ठीक है, आपने करनी है वहाँ पे। हो सकता है आप परचेज आपने क्या करना होता है, जैसे कोई ओल्ड गोल्ड होता है वो आपको खरीदना है वहाँ पे, उसकी क्वालिटी चेक करनी है, वो वहाँ पे सब सिखाएंगे आपको, बेसिक चीज़ सब सिखाएंगे वहाँ पे। पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप वहाँ पे करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो गोल्ड से रिलेटेड ये काम होता है। तो इसमें अगर इसमें किसी का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका किसी और सेल्स फील्ड में एक्सपीरियंस है, इंग्लिश अच्छी है, 10वीं पास है, तब भी आप जा सकते हैं।
तो ये वीडियो अभी करते ख़त्म यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।